का जुम्मेदारान को आप ये मदावा किसी हद तक कर भी लें, बिजली के बिलों से कुछ कमी ले भी आए, तो ये अदम इस्तेहकाम जो बढ़ रहा है, जो अफरा तफरी बढ़ रही है, ये रुकेगी नहीं उस वक्त तक जब तक आप अब 75 सालों में जो किसी ने बोया, जो किसी ने साजिश की, जो किसी के हाथों में खेला और पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको बेनकाब नहीं करेंगे। आप जड़ा वाला वाकया जो है मजहबी नफरत फैलाने की साजिश का तोड़ कर सकते हो कि जो कि अच्छी बात है, उस साजिश का तोड़ कर लिया गया, मगर रियासत को नुकसान पहुंचाने, रियासत में 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करने वाली साजिश का जब तक तोड़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर से जो अमलन सिविल नाफरमानी की शेप शक्ल बनती जा रही है उसको आप नहीं रोक सकेंगे। बात सीधी सी है कि बिजली चोरी, आप ट्रांसमिशन लाइन के लाइन लॉसेस, आप आईपीपी कंपनियों के जालमाना मुआहदे, आप डॉलर की ऊंची उड़ान, आप पाकिस्तान के अंदर फैसले और ऐसे फैसले जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचता जा रहा है, उन चीजों को कौम के सामने नहीं लाएंगे तो अब बिफरे हुए कौम जो हैं वो 2-4-10 रुपए यूनिट कम करने से मुतमिन नहीं हो सकते। बात सीधी सी है कि 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत की और 4.25 सालों में जो मुआहदे मालियाती अदारों से किए, जो नलायकियां उनकी सामने आई, जो चोरियां उनकी हुई, जो आईपीपी कंपनियां जो हैं के असल मालकान, जो के कहा गया था कि ये दुनिया से इन्वेस्टर आया है, मगर नाम दुनिया के दीगर ममालिक से लोगों का था, असल में वो पाकिस्तानी थे, और वो पाकिस्तानी जो हैं उनको सामने लाया जाए, वो कौन से पाकिस्तानी हैं इन कंपनियों के मालकान, और फिर डॉलरों में अदायगी जो उस वक्त मुआहदों में तय की गई थी, क्यों की गई थी, फिर जितनी कैपेसिटी उन कंपनियों की है उतना ही उनको पैसा देने का, अदायगी करने का आप पाबंद क्यों बने? 75 कंपनियों में से 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनका 2013 में मुस्लिम लीग ने जिनसे मुआहदा किया, और 10 कंपनियां वो हैं या उनसे मुआहदा किया गया जब बिजली का बहरान था 2013 में, लोड शेडिंग इंतहा को थी, फुल कैपेसिटी पे चलाने पर उनको राजी करने के लिए 550 अरब यकमुश्त दिए गए, जो आज गर्दशी कर्जे जिसको कहा जाता है वो गर्दशी कर्जे 550 दिए गए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को खत्म किया गया तो 600 से 650 अरब के गर्दशी कर्जे थे उस वक्त, और जब इमरान खान हटा तो 2450 से 2500 के गर्दशी कर्जे वो छोड़ के गया। अब आ जाएं, जब तक आप 4.25 साल की हुकूमत
का मलबा का बोझ उनकी पॉलिसियों का उन पर नहीं डालेंगे। और 16 माह की कौमी हुकूमत जिसमें 11 जमातें शामिल थीं, चले उनमें ज्यादा हिस्सा मुस्लिम लीग पर डाल दें उन 11 जमातों में से, मगर आप हिस्सा डालें उस पर जितना उसका कसूर है। आप नगरानों पर मलबा डालें जितना उनका कसूर है। आज कौम माफ नहीं करने को तैयार।